बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हामिद खान और आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनके लिए किन किन चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शुक्रिया। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे कुकिंग ऑयल में और डायरेक्ट इसके अंदर करेले डाल देंगे। प्याज थोड़े से पक चुके हैं, अब इसमें हम करेले डालेंगे और करेले को तकरीबन मैंने 3-4 बार अच्छी तरह नमक से धोया है और आप लोग भी नमक से अच्छी तरह धो लें, इसका टेस्ट बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसके लिए बाकी जो आलू और गोश्त है हम इसको अलग पकाएंगे। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे और गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। नमक हसबे जायका डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम आलू डालेंगे और आलू को अच्छी तरह पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त अच्छी तरह पक चुका है, अभी करेले और आलू गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और करेले भी अच्छी तरह पक चुके हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त करेले बन चुके हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हामिद खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।